हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, 105 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। इससे पहले तेजी आई थी जब चर्चा थी कि शायद मुकेश अंबानी जी यहाँ पर हिस्सा खरीद सकते हैं, शेयर रॉकेट बन गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर रिटेल के शेयर में आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 105 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 1% का ही ग्रोथ है। 101 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई और ये वो वक्त था जब मुकेश अंबानी जी हिस्सा खरीदने वाले हैं, उसकी चर्चा जोर शोर से थी। 140 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन अब एक डाउन ट्रेड शुरू हो चुका है। ऐसा डाउन ट्रेड के निकलना तक मुश्किल है क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो लोग अपने शेयर को बेच भी नहीं पा रहे हैं। पिछले एक साल की हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल में एक साल में 77% तक की गिरावट है। 470 रुपए से शेयर कंटिन्यू से गिरता हुआ नीचे है। 64 रुपए के ऊपर ये शेयर पहुंचा था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, अब गिरावट यहां पर देखने को मिल गया। 3 साल में फ्यूचर रिटेल के शेयर में तकरीबन 73% की गिरावट है। 640 रुपए तक का इसने हाई बनाया हुआ है और 65 रुपए तक का लो भी है। 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2016 से जब से इसका आईपीओ आया था तब से 640 का हाई है और 65 रुपए तक का लो है। मिड कैप स्टॉक है ये, 5735 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 7 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में 2 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 41.73% की होल्डिंग है। एफआईएस म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, एफआईएस के पास 11.73% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 34.96% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, 31.89% की होल्डिंग है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि तकरीबन 75% की इनकी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 107 एफआईआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड है, जिनके पास 7.45% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38% है। और तो और लेटेस्ट में जो अपडेट चल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जो अपडेट थी वो ये थी कि मुकेश अंबानी जी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं, और उनकी चर्चा से शेयर में तेजी भी आई थी। लेकिन 3 दिन पुरानी एक खबर है कि टाटा ग्रुप के जो रिटेल आर्म है ट्रेंड, वो भी यहाँ पर खरीदारी करने का शायद मन बना सकते हैं। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल भी बियानी के लिए फ्यूचर है कि नहीं, वो भी काफी ज्यादा चर्चा थी और इसी के चलते शेयर में इतनी बड़ी रैली भी थी। आरआईएल नियर डील टू अक्वायर रिटेल बीज ऑफ फ्यूचर ग्रुप, तो कई सारी, उसमें से सबसे बड़ी जो खबर थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी। अभी अगर हम बात करें तो खरीदारी में सबसे आगे अगर कोई चल रहा है तो वो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप भी यहाँ पर बीट कर सकता है, टाटा ग्रुप भी यहाँ पर है, उसके अलावा अमेजोन भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, रिलायंस मतलब फ्यूचर ग्रुप की जो सबसे बड़ी दिक्कत है फ्यूचर रिटेल की, वो ये है कि कर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर कर्जा है और उस कर्जे को चुकाने के लिए उनको अपना हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है, जिससे वो अपना कर्जा कम कर सके और जो बिजनेस है उसको अच्छे से ग्रो कर पाए। अगर वाकई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में आ जाता है फ्यूचर रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी करता है, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक और खबर यहाँ पर ये भी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक चाहता है, खरीदारी और ज्यादा चाहता है कंट्रोलिंग, ताकि कंट्रोलिंग इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ सके और फ्यूचर ग्रुप मतलब जो बियानी है वो इससे अगेंस्ट में यहाँ पर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये चर्चा है, कोई शॉर्ट शॉर्ट इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ एक खबर यहाँ पर ये भी है, अमेजोन भी यहाँ पर कुछ हिस्सेदारी खरीदना चाह रहे हैं वो भी है। क्योंकि देखिए फ्यूचर रिटेल एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें बिग बाजार की, तो पूरे के पूरे इंडिया में आपको कई सारे स्टोर्स मिल जाएंगे और फ्यूचर आने वाले दिनों में यही है, मॉल्स एक फ्यूचर है। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग जो है
वो अपनी हर रोजमर्रा की जो चीजें खरीदने का काम करते हैं वो मॉल्स से करते हैं। काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाती है, चाहे आप डीमार्ट में जाए, चाहे बिग बाजार में जाए, चाहे ट्रेंड्स में जाए, हर सुपरमार्केट में आपको भीड़ देखने को मिल जाती है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए तेजी आ गई थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो डाउन ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते पीई के ऊपर शेयर है, 8.11 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 74 के आसपास है, बुक वैल्यू 71 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है, ईपीएस 13 के आसपास है और डेली सेगमेंट 56 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 67% लोग खरीदने की बात करें, 23% लोग बेचने की बात, और 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें, मतलब 77% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका ये कहना है खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो दिसंबर क्वार्टर में 170 करोड़ का प्रॉफिट, हालांकि मार्च के नतीजे अभी तक इन्होंने पोस्ट नहीं किए हैं, काफी लेट नतीजे ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इनके नतीजे पोस्ट हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक हुए नहीं है, तो लेट नतीजे पोस्ट हो रहे, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ जरूर मार्क किया जाएगा, क्योंकि लोग अभी इस वक्त में लोग जून क्वार्टर के नतीजे पोस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक फ्यूचर रिटेल ने मार्च क्वार्टर के नतीजे पोस्ट नहीं किए हैं, तो ये एक अच्छी अपडेट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास पहले 47% की होल्डिंग थी, बाद में 40% की हुई, बाद में 41% की हुई, तो पहले बहुत ज्यादा गिरी, अब थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई है। गिरवी रखे हुए शेयर्स पहले 51% थे, बाद में 80% हुए, अब 75% यहाँ पर देखने को मिल गया। एफएसएम भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 13.66% की होल्डिंग 11.73% है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सब ने यहाँ पर बिकवाली की है, इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 0.23% की होल्डिंग थी, आज 0.05% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 7.5% की होल्डिंग थी, आज 4.03% की होल्डिंग है। तो एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो शेयर उतने उतना दम नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें, फंडामेंटल अगर हम देखें जाए तो फ्यूचर रिटेल बिग बाजार में उतना ज्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर यहां से कोई टर्न अराउंड होता है, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप या मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के पास अगर फ्यूचर रिटेल जाता है, हालांकि चांसेस है यहाँ पर, तो याद रखिए शेयर्स में एक बड़ी रैली की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी के दौर में अगर हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज पर टिका हुआ है। अगर अच्छी न्यूज आ गई तो यहां से ये रॉकेट बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज पर है। अच्छी न्यूज आ गई तो रॉकेट बनेगा, अगर नहीं आई तो गिरावट के दलदल में भी जा सकता है ये शेयर। तो रिस्क यहां पर आपको पता होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखकर आप यहां पर खरीदारी करने का प्लान बनाएं, या फिर खरीदारी की है तो टिके रहने का प्लान बनाएं। मेरे हिसाब से अगर आपने खरीदारी की है, आप लॉस में हो, तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि बिग बाजार कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर इसको खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा हुआ होगा, और मुझे लगता है कि डील हो जानी चाहिए किसी के साथ भी। ये नहीं है कि मुकेश अंबानी जी के साथ ही होगी, लेकिन किसी के साथ भी मुझे लगता है कि शायद थोड़े वक्त में कोई डील हो जानी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो शेयर में रैली भी आ जाएगी। तो रिस्क यहाँ पर आप समझ के खरीदारी करें, और खरीदारी कर भी रहे हो तो एक छोटी और मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पर लगाए, एक बहुत बड़ा पैसा हाईली रिस्की शेयर में लगाना एक सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए रिलायंस सॉरी फ्यूचर रिटेल एक हाईली रिस्की शेयर है, क्योंकि पूरी की पूरी जो इसकी पॉसिबिलिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ इफ और बट के ऊपर टिकी हुई, अगर डील होगी तो तेजी आएगी, डील नहीं होगी तो तेजी नहीं आएगी। तो अगर जहां पर पूरा जुआ है ये, अगर पूरा अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो डूब गया, ये वाला भी हाल यहाँ पर है। तो खरीदारी अगर आप कर रहे हो तो एक मिनिमम क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। खरीदारी की हुई है, लॉस में हो तो बने रहो, उम्मीद करो कि कोई अच्छे प्लेयर के हाथ में आ जाए, ताकि आपका पैसा जो है वो डूबे ना यहाँ पर। तो फ्यूचर रिटेल खरीदारी की है, बड़े लॉस में हो तो बने रह सकते हो, जब तक कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर नहीं आता, और तब तक उसका हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। हाईली रिस्की शेयर है तो बड़ी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करिएगा यहाँ पर। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें,
अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।